नमस्कार जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। देश भर में विजयदशमी की धूम, सीएम हेमंत सोरेन समेत कांग्रेस और बीजेपी नेताओं ने लोगों को दी बधाई। दशहरा यानी विजयदशमी का पर्व पूरे देश में उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। विजयदशमी पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने रावण का वध कर बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक का संदेश दिया था। दशहरा के दिन अस्त्र शस्त्र की पूजा का विधान है। मान्यता है कि विजयदशमी पर शस्त्र पूजा से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। विजयदशमी के त्यौहार को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस और बीजेपी नेताओं ने बधाई दी। सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर कहा है कि विजयदशमी के पावन अवसर पर आइए प्रण लें कि समाज में फैली कुरीतियों और कुप्रथाओं का विनाश हो तथा अहंकार, द्वेष और घृणा, असत्य रूपी बुराइयों का अंत हो। इस पावन पर्व पर सभी को अनेकानेक शुभकामनाएं और जोहार। इधर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर कहा है कि असत्य पर सत्य की जीत का पर्व विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम की कृपा समस्त लोगों पर बनी रहे। धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो। जय श्री राम। रांची के मोरहाबादी मैदान में रावण दहन की तैयारी पूरी। राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में रावण दहन की तैयारी पूरी हो गई है। रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले बनकर तैयार हो गए हैं। आज शाम आतिशबाजी के साथ रावण दहन किया जाएगा। राजधानी रांची में दो वर्षों के बाद भव्य रूप से रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अनुमान है कि हजारों की संख्या में लोग रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में रावण दहन कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसे देखते हुए रांची के मोरहाबादी मैदान की सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। ट्रैफिक को लेकर गाइडलाइन भी जारी कर दिए गए हैं। रांची के मोरहाबादी मैदान में रावण दहन का कार्यक्रम शाम में होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रावण दहन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। असत्य पर सत्य की जीत का पर्व विजयदशमी के शुभ अवसर पर आज रांची के मोरहाबादी में 70 फीट के रावण का दहन किया जाएगा। बारिश के मौसम को देखते हुए इस बार रावण को भी वाटर प्रूफ बनाया गया है। गुमला में बकरे की बलि के दौरान फरसा की बेंत टूटकर लगने से 4 साल के बच्चे की मौत। झारखंड के गुमला जिला के घाघरा थाना स्थित लालपुर गांव में दुर्गा पूजा की नौमी तिथि को बकरे की बलि के दौरान फरसा की बेंत टूटकर लगने से 4 साल के विमल उरांव की मौत हो गई। लालपुर गांव के देवी मंडप के समीप बकरे की बलि दी जा रही थी। सैकड़ों लोगों की भीड़ वहां मौजूद थी। दीपक उरांव का पुत्र विमल उरांव भी भीड़ के आगे खड़ा होकर बकरे की बलि देख रहा था। इसी दौरान पुराने फरसे की बेंत टूट गई। लोहे की बेंत टूटने के बाद सीधे विमल की छाती पर लगी और वह घायल हो गया। परिजन उसे अस्पताल ले जा रहे थे लेकिन रास्ते में ही विमल ने दम तोड़ दिया। गुमला के एसपी डॉक्टर एहसाम वकारिम ने कहा है कि पूरे मामले की घाघरा थाना की पुलिस जांच कर रही है। देवी मंडप में बकरे की बलि के दौरान फरसे की बेंत टूटने की घटना से बच्चे को चोट लगी, उसके बाद अस्पताल ले जाने के दौरान उसकी मौत हो गई। देवघर में नहीं होता है रावण का पुतला दहन, जाने वजह। आज बुधवार को पूरे देश में विजयदशमी की धूम है। हर जगह माता की आराधना की जा रही है। साथ ही आज विजयदशमी में हर जगह रावण का पुतला दहन भी किया जा रहा है। लेकिन देवाधिदेव महादेव की नगरी में रावण का पुतला दहन की परंपरा नहीं है। यहाँ रावण के पुतले का दहन नहीं किया जाता है। बैद्यनाथ धाम के पुरोहित दुर्लभ मिश्रा बताते हैं कि देश में आज सभी जगह रावण का दहन किया जाता है लेकिन देवघर में रावण का पुतला दहन नहीं किया जाता है। इसके पीछे का कारण यह है कि रावण एक महान पंडित और ब्राह्मण थे। वो शिव के सबसे बड़े भक्त थे। रावण के 10 मुंड थे जिसमें 5 सात्विक और शेष 5 तामसिक। जब कैलाश से रावण बाबा बैद्यनाथ के ज्योतिर्लिंग को लेकर आ रहे थे तो वो सात्विक धर्म था। रावण की वजह से ही यहां देवघर में कामनालिंग बाबा बैद्यनाथ लाया गया। हालांकि स्थापित विष्णु के द्वारा किया गया था लेकिन ज्योतिर्लिंग को लाने वाले रावण ही थे। यही वजह है कि देवघर में रावण का पुतला दहन नहीं होता है। रावण का पुतला दहन का तात्पर्य है कि हर इंसान में बुराई और अच्छाई है। आज विजयदशमी के दिन आज उस बुराई को खत्म करना है, अग्नि में उसकी आहुति देनी है, अपने क्रोध, लोभ, मोह को जलाना है, अपने अंदर के रावण को जलाना है। रावण का पुतला दहन है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। गिरिडीह जिला में बारिश की चेतावनी, मेघा गर्जन और वज्रपात की भी आशंका। मौसम केंद्र रांची ने गिरिडीह जिला में कुछ स्थानों पर आज शाम तक बारिश की चेतावनी जारी की है। केंद्र की ओर से कहा गया है कि कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है। इस दौरान मेघा गर्जन और वज्रपात होने की भी प्रबल आशंका है।
देवघर के बलिया चौकी के समीप युवक की गोली मारकर हत्या। झारखंड के देवघर में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मृतक का नाम टिंकू तुरी बताया गया है। मंगलवार को महानवमी के दिन बाबा नगरी में गोलीबारी की घटना हुई। जिले के कुंडा थाना इलाके के बलिया चौकी में हुई गोलीबारी में युवक की मौत हो गई। वह बलिया चौकी का रहने वाला था। घटना की सूचना मिलते ही जिले के पुलिस कप्तान सुभाष चंद्र जाट व कुंडा थाना के प्रभारी प्रवीण कुमार और अन्य पुलिस पदाधिकारी दल बल के साथ फौरन घटनास्थल पर पहुंचे और स्थल का जायजा लिया। घटनास्थल का जायजा लेने के बाद पुलिस कप्तान सदर अस्पताल पहुंचे व परिजनों से पूछताछ की। मृतक आपराधिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति बताया जाता है। उसके ऊपर कई मामले पूर्व से दर्ज बताए जाते हैं। मृतक के सिर, सीने व पीठ में गोली मारी गई है। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो गोलीबारी की घटना के बाद स्थानीय लोगों द्वारा ऑटो से घायल हालत में टिंकू को सदर अस्पताल पहुंचाया गया। यहां ऑन ड्यूटी चिकित्सक ने प्राथमिक जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस पूरे मामले को आपसी विवाद बताकर छानबीन कर रही है। इधर बाइक सवार हमलावर गोलीबारी के बाद से फरार बताए जा रहे हैं, उसकी तलाश में पुलिस जुट गई है। मेले में मिलावट भोजन से रहें सावधान। राजधानी रांची में दुर्गा पूजा को लेकर इस वर्ष खूब धूमधाम देखा जा रहा है। लोग घरों से बाहर निकलकर मेले में मौज मस्ती करते देखे जा रहे हैं। बच्चे हो या बुजुर्ग, सभी में दुर्गा पूजा को लेकर खूब उत्साह देखने को मिल रहा है। मेले में घूमने आए लोग सबसे ज़्यादा बाजार में लगे भोजन को खासकर एंजॉय कर रहे हैं। खास करके ठेले खुमचे में लगे चाउमीन, बर्गर और गोलगप्पे इत्यादि जैसे खाद्य पदार्थ लोग खूब पसंद कर रहे हैं। मेले में घूमने आए लोग बताते हैं कि स्वास्थ्य विभाग को समय समय पर मेले में ठेले खोमचे और स्टॉल लगाए जाने वाले लोगों के भोजन और खाद्य पदार्थों की जांच करनी चाहिए ताकि कमियों की जानकारी हो सके। इससे सिर्फ आम लोग के स्वास्थ्य का ख्याल ही नहीं रखा जा सकता बल्कि ठेले खोमचे वाले के मन में भी मिलावट करने से पहले डर का माहौल बना रहेगा। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित इन नेताओं ने दी विजयदशमी की बधाई। देश भर में आज दशहरा का त्यौहार मनाया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुल्लू में इस बार दशहरा मनाएंगे तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड में सेना के जवानों के साथ दशहरा मना रहे हैं। ऐसे में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम नरेंद्र मोदी सहित कई बड़े नेताओं ने दशहरा की बधाई दी है। देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी ट्वीट कर सभी को दशहरा की शुभकामनाएं दी हैं। विजयदशमी की शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने लिखा है कि विजयदशमी के पावन पर्व पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई। दशहरा का यह त्यौहार अनीति पर नीति की, असत्य पर सत्य की, बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। मेरी मंगल कामना है कि यह त्यौहार सभी देशवासियों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बुधवार को दशहरे के मौके पर बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर इस शुभ अवसर पर सभी के लिए साहस, संयम और सकारात्मक ऊर्जा की कामना की। रांची के HEC में जलेगा 71 फीट का रावण। राजधानी रांची के HEC में इस बार 71 फीट का रावण, 55 फीट के मेघनाथ और कुंभकर्ण का दहन किया जाएगा। रावण दहन समिति ने पूरे इंतजाम कर लिए हैं। धनबाद में जलेगा 65 फीट ऊंचा रावण, आज शाम होगा दहन। शारदीय नवरात्रि के साथ असत्य पर सत्य की जीत के पर्व दशहरा की तैयारियां पूरी हो गई है। रावण का पुतला तैयार हो गया है। जिले में 40 से 65 फीट तक के रावण का पुतला तैयार किया गया है। समितियां पुतले के निर्माण में 1 लाख से 4 लाख रुपए तक खर्च किए हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।